हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ BSET की क्लासेस में और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम PET की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए भाई, आज आपके लिए जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आप सभी को 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जनरल अवेयरनेस के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश के कराऊंगा, जिसके आप सभी को मालूम होगा कि आपकी PET की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है, 19 या 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं आप सभी को यहां पर बता देना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं BSET की क्लासेस पर, सभी को अटेंड कीजिए, कामयाबी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो क्लास को हम सभी लोग शेयर करेंगे, क्लास को आप सभी लोग भाई शेयर करेंगे और क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम, जिसका नाम था बूंदे, इसको रिलीज़ किया था? पेंटाग्राम, 13 AD, या सिल्क रूट, या आपके लॉस्ट स्टोरी। देखिए, आज के इस आपकी मैं वीडियो में बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, थोड़े से पुराने हैं, वो उनको मैं लाया हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई थोड़े से पुराने पूछ लिए जाते हैं और आप सभी लोग उन क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, लेकिन आज के बाद आप लोग किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे भाई। तो इस क्वेश्चन को बारे में देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सिल्क रूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने एक नए मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय सौंपा था, बताइए? तो कौन सा मंत्रालय सौंपा था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या विदेश मंत्रालय, या महिला और बाल विकास मंत्रालय, या कानून और न्याय मंत्रालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। ये किसको सौंपा गया था? स्मृति ईरानी को सौंपा गया था और नरेंद्र मोदी ने सौंपा था, 2019 में सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। चलिए भाई, तो इसमें आपको बताना है, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? 2011 में, 2003 में, 2015 में, या 2007 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो 2011 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब कि क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यानी कि PaaS की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो क्या होगी PaaS की फुल फॉर्म? प्रोटोकॉल एज ए सर्विस, परफॉर्मेंस एज ए सर्विस, या पेमेंट एज ए सर्विस, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, पास की फुल फॉर्म हो जाएगी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग भाई। तो इसमें आपको बताना है, 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदंबरम, चतितार मुथैया चिदंबरम, चेट्टियार ने निम्नलिखित में से बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? केनरा बैंक की स्थापना की थी, इंडियन ओवरसीज़ की बैंक की स्थापना, या सिंडिकेट बैंक, या धनलक्ष्मी बैंक? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 1937 में चेन्नई में की गई, और किसके द्वारा की गई? मुथैया चिदंबरम के द्वारा की गई। तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोच रहे थे, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज़ होती है, और यही चीज़ कि हमें जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, या लाला लाजपत राय? देखिए, सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके PET के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो भाई पूरी क्लास आप सभी को देखना है, क्योंकि पूरी क्लास देखो ना तो युद्ध जो है, युद्ध पूरा लड़ा जाता है भाई, बीच से छोड़कर नहीं भागा जाता है युद्ध को। तो देखा जाए, ये एग्ज़ाम भी आपके लिए युद्ध है, जिसमें आपको इस बार यानी कि 2021 में जीतना ही जीतना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सास्थामकोटा झील कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, या कर्नाटक? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, देखिए
कि केरल में स्थित है, यानी कि सस्थामकोटा झील कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। बात आप सभी को याद रखना है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि डोलामाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का एक अयस्क है, स्ट्रॉन्शियम का, पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का या कैल्शियम का। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, डोलामाइट धातु में किस धातु का अयस्क है, तो डोलामाइट जो है भाई ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, मैग्नीशियम का अयस्क होता है। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को किसके रूप में घोषित किया था, विश्व जल परिवहन दिवस, विश्व ऑटोमोबाइल दिवस या विश्व मोटरसाइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे भाई। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक साइकिल है, उस पर तीन लोग बैठे हैं तो जान लगाना पड़ेगी, ये ज़रूरी बात है। तो जान लगाना पड़ेगी भाई, तीन लोग बैठे हैं तो विश्व साइकिल दिवस आपको याद रखना है, विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, साइकिल पर तीन लोग बैठे हैं तो जान लगाना पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4, 3 जून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विश्व साइकिल दिवस। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया, 1983 में, 1963 में, 1973 में या 1952 में, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को 1963 में लागू किया गया। ठीक है, 1963 से ये लागू की जगह यहाँ पर प्रभाव भी आ सकता था लिखा हुआ, तो कब प्रभाव में आया, ये 1963 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है, उत्तर प्रदेश में है इंदिरा गांधी बांध, या महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में इंदिरा सागर बांध है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कंक्रीट गुरुत्व बांध है, तो इंदिरा सागर बांध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है, हुक का नियम या बर्नौली का नियम, अवोगाद्रो का नियम या पास्कल का नियम। सभी लोग करेंगे इसका राइट आंसर। चलिए भाई बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी, मालेगांव समिति, श्री कृष्ण समिति, पनीर समिति या आपके मंडल समिति। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कि सरकारी बैंकों में अर्जनक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पनीर सेल्वम समिति का गठन किया गया था। बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है, पनीर सेल्वम समिति की नियुक्ति की गई थी या गठन किया गया था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर सी के बारे में सोच रहे हैं कि ये राइट आंसर होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी, सुधा मूर्ति पैनल की, रघुराम राजन पैनल की, नंदन नीलेकणी पैनल की या उर्जित पटेल पैनल की। तो सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए, नंदन नीलेकणी समिति, ठीक है, नंदन नीलेकणी पैनल जो है इसका गठन किया गया था। कब गठन किया गया था, जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक पैनल की स्थापना की थी, उसका नाम था नंदन नीलेकणी समिति या पैनल। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब तो इसमें आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से किसको मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आचार अधिकारी यानी कि एथिक्स ऑफिसर किया गया था, बताइए किसको नियुक्त किया गया था, मिलिंद खरात को, सुरेश बाबू को, दिनेश कुमार वर्मा को या डीके जैन को। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डीके जैन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आचार अधिकारी कौन थे भाई, डीके जैन थे, जिनकी नियुक्ति मार्च 2019 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है, 1972 में, 1983 में, 1951 में या 1947 में। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है 1951 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और प्रथम पंचवर्षीय योजना भी 1951 में शुरू की गई थी, ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, झेलम नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे भाई। तो किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है, गंगा नदी आपकी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये 28 जनपदों को टच करती हुई निकल जाती है, ठीक है, इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, फूलों की घाटी आपको बताना है कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है या आपके मेघालय में है। तो देखिए आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछा जाता है शांत घाटी जो केरल में है और फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि प्रतिष्ठित मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेटर को नामित किया गया है, वसीम अकरम को, महिला जयवर्धने को, या कुमार संगकारा को, या आपके सुनील गावस्कर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। देखिए तो आपको याद रखना है किसको नियुक्त किया गया है, किसको नामित किया गया है, कुमार संगकारा को नामित किया गया है, ठीक है, MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में कौन से एशियाई क्रिकेटर को नामित किया गया है, तो कुमार संगकारा, ये नाम आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है, टेबल टेनिस ने, टेनिस ने, बैडमिंटन ने या स्क्वैश ने। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा, यानी कि बैडमिंटन ने, विश्व निकाय ने, ठीक है, बैडमिंटन ने ट्रिपल नाम का एक नया खेल प्रारूप पेश किया है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है, ब्लू प्रिज्म, पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर या पावर सेंटर। चलिए देखिए तो आपको ये याद रखना है कि इनमें से कौन सा, कौन कौन से रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के, ठीक है, ऑटोमेशन के उपकरणों में है। तो मैं आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पावर सेंटर नहीं है, बाकी सारे हैं, ब्लू प्रिज्म भी है, उसके बाद पाथ भी है, उसके बाद ऑटोमेशन एनीवेयर भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, इसमें आपको बताना है पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न भाई, संतूर वादक थे ये, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए आंसर देंगे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण से 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला है, अंबाजी, वेरावल, हिरासर या केशोद। भाई क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को समझकर इसका राइट आंसर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हिरासर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, पिगली वैगैया को आज भी किस विध्वंस कारण से याद किया जाता है, बताइए भाई इनके किस काम के लिए पिगली वैगैया को याद किया जाता है, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया था, या उन्होंने गोवा के विलय में मदद की थी, या उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया था, या उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, बताइए। चलिए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर 3 को चुन रहे हैं कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वैगैया ने, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब,
सिस्टोलिक डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। आंखों की दृष्टि के में समस्या के पता लगाने के लिए, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए या रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए। राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का, तो देखिए आपको याद रखना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दो शब्द हैं, इनका इस्तेमाल किसके संदर्भ में किया जाता है, तो रक्तचाप को मापने के लिए, ठीक है, यानी कि बीपी को अर्थात ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गहिरा माथा अभ्यारण ओडिशा में के लिए एकमात्र अभ्यारण है, हाथी के लिए एकमात्र अभ्यारण है, कछुए के लिए है, मगरमच्छ के लिए है या हिरण के लिए है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कछुए के लिए। आपको याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है कि गहिरा माथा अभ्यारण ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण है, तो कछुए के लिए है और ओडिशा में ही बलराम योजना शुरू की गई थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर थ्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं या सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोथानदार माँ स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्वरूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में या मदुरई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा, ये बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम की एक पहल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसकी एक पहल है, मौसम परियोजना जो है किसकी एक पहल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है या पर्यटन मंत्रालय की है या संस्कृति मंत्रालय की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय की ये एक परियोजना है, संस्कृति मंत्रालय की। उसका नाम क्या है, मौसम उस पहल का नाम है, ये बात आप सभी को याद रखना है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित किस नाम से पुकारा जाता था, रुपया, टका, ड्रामा या दिनारस या दिनार। तो दिनार के नाम से पुकारा जाता था जिसको दिनारस भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, कौन सी नदी है जिसको नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है, माही, साबरमती, लूनी या ताप्ती। तो ताप्ती जो नदी है ना, ताप्ती, इसको नर्मदा की हैंडमेड नदी कहा जाता है, बात आप सभी को याद रखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, चलिए भाई, तो इसमें आप सभी को बताना है कि विकेट कीपर का हेलमेट ज़मीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी, ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, 4, 2, 6 या 5। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है, ठीक है, बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं, 5 पेनल्टी रन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वित्त वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या NTPC लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि 2018-19 में निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंपनी थी जो भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। तो आपको याद रखना है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये एक ऐसी कंपनी थी जो 2018-19 में भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, चलिए भाई, इसमें आप सभी को बताना है कि चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान, स्तरित शैल विज्ञान, खनिज विज्ञान या भूगणित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, ठीक है, चट्टान अनुक्रमण
के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्तरित शैल विज्ञान। स्तरित शैल विज्ञान आप सभी को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के गोविंद राज को सर्वसम्मति से पुनः चुना गया था? बास्केटबॉल फेडरेशन, या बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, या ऑल इंडिया टेनिस फेड एसोसिएशन, या टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया था, आप सभी को याद रखना है, ठीक है, इसके इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और किसको चुना गया था? गोविंद राजन को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको इसमें बताना है मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में, अच्छा ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस देश में है? किस देश में? देश तो भारत ही होगा, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है, या आंध्र प्रदेश में है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए केरल आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और पेरियार झील कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपकी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? रजिस्ट्री, रिकॉर्ड, कुकी, या कैश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रजिस्ट्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये प्रश्न थोड़े से टफ लग रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यही टफ प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि अब चल रहा है भाई 2021, तो 2021 में आप लोग 2021 के लेवल की तैयारी करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1779 में, या 1789 में, 1769 में, या 1799 में? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाड़गांव सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1779 में हुआ था। 1779 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? अल्पाधिकार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि आपको बताना है, ठीक है, वर्ष 2019 में द्वारा किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीज़ा के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों के अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना होगा? तो किस देश ने ऐसा कहा था? जापान ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, या ब्रिटेन ने? तो ऐसा कौन से देश ने कहा था? ऐसा भाई अमेरिका ने कहा था, ये बात आपको याद रखना। अमेरिका ने कहा था कि पिछले 5 वर्षों के लिए अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए भाई, तो इसमें आप सभी को बताना है कि मई 2019 में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संसाधन प्रबंधन, स्थिरता और भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? अनीता भाटिया को, अमृता फडणवीस को, लक्ष्मीपुरी को, या सुधा मूर्ति को? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी को यहां पर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि मई 2019 में किसको, तो अनीता भाटिया को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संसाधन प्रबंधन, स्थिरता और भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, चलिए भाई, तो इसमें आपको BCP की फुल फॉर्म बताना है। BCP की फुल फॉर्म क्या होगी आपको बताना है, तो जल्दी से देखकर बताइए भाई BCP की फुल फॉर्म। तो BCP की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान, ठीक है, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, तो हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं भाई। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बात आपको बताना है, तो मुझे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, बताइए।
जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के सही उत्तर। तो यहाँ पर देखिए, मुझे अगर सबसे पहले हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तो मुझे आएगा या मैं आएगा या मुझको आएगा, तो ये एक उत्तम पुरुष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो सभी लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर भाई? अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। और उम्मीद है वो 4 प्रकार आप सभी को याद होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब लालटेन शब्द निम्न वर्णों में से वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बताइए भाई, लालटेन जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? अच्छा, संकर शब्द होते हैं, तो संकर शब्द आप लोग बताइए कि कौन से शब्द को संकर शब्द कहा जाता है? बताइए संकर शब्द। तो जैसे कि मान लीजिए रेलगाड़ी जो है ना, तो रेलगाड़ी ये एक संकर शब्द हो गई। बहुत पूछा जाता है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो ये एक संकर शब्द है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो लालटेन आपको बताना है लालटेन कैसा शब्द है। तो लालटेन जो शब्द है ना, ये आपको याद रखना है एक विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक है, विदेशी शब्द ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब यशोदा में संधि का इस्तेमाल किया गया है, तो कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है यशोदा में? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर आप सभी को याद रखना है यशोदा में कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है, तो बताइए भाई। तो यशोदा में विसर्ग संधि का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग भी हैं, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनिम्स फॉर एम्बिजियस? बताइए भाई, क्लियर, वैग्यू, ओबनोक्सियस या सिनिस्टर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो एंटोनिम्स आपको बताना है एम्बिजियस का, तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मेलोडी फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, डिसीज़, मेलोडी, जॉय या कॉमेडी? जल्दी जल्दी करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है, डिसीज़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय द एप्रोप्राइट वर्ड द फायर डैश ए डेंस स्मोक। बताइए भाई खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएंगे? गेव ऑफ आ जाएगा, गेव अवे आ जाएगा, गेव आउट आ जाएगा या गेव अप ऑल आ जाएगा? बताइए, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? गेव ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पूरा सेंटेंस आपका कैसे बन जाएगा? द फायर गेव ऑफ ए डेंस स्मोक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओ माई लव इज़ रेड रोज डायरेक्शन द एबव लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चूज द अप्रोप्राइट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, स्माइल, मेटाफोर, हाइपरबोल या आपका एलिटरेशन? तो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो एलिटरेशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द वन विच कैन बी डिस्क्राइब एज बोल्ड ओवर स्टेटमेंट और द एक्स्ट्रावेजेंट एक्सजेनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ पॉसिबिलिटी। ये लिखा हुआ भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, एक्सजेनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो बताइए भाई, पन, हाइपरबोल, एलिजी या आपका ऑडी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरबोल हो जाएगा, हाइपरबोल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पसंद आए क्लास आपको तो लाइक कीजिएगा, इससे पहले प्लीज शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा? तो आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट,
ब्रह्मागुप्त, भास्कर या लल्लू, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। ठीक है, तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है, तो ये भास्कर हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भास्कर। ओके, चलिए। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या भास्कराचार्य। द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ मैथमेटिक्स लीलावती वॉज रिटन, चलिए रिटन बाई, बताइए कि जो गणित की पुस्तक है लीलावती, इसके लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। ठीक है, तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो ये भास्कराचार्य थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ठीक है, आपको बताना है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आपके ऑप्शंस हैं भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मागुप्त या आर्यभट्ट, बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। तो याद रखेंगे कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, तो ये आर्यभट्ट थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर्यभट्ट। ओके, चलिए। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि मत्विलास प्रहसन का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ मत्विलास प्रहसन? तो आपके ऑप्शंस हैं गौतमीपुत्र, सत्कर्णी, महाक्षत्रप, रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय, बताइए कि मत्विलास प्रहसन का लेखक कौन था। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो मत्विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन। ओके, चलिए। अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, बताइए कि जो मनुस्मृति है इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है। आपके ऑप्शन हैं समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से, बताइए कि मनुस्मृति का संबंध मुख्य रूप से किस चीज से है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से, तो ये सही आंसर है आपका। तो याद रखेंगे आप लोग कि मनुस्मृति का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो समाज व्यवस्था से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, द ग्रेट लॉ मेकर्स ऑफ एंशियंट टाइम वर, बताइए, तो अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वात्स्यायन, बताइए इनमें से, बताइए कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, मनु, तो ये सही आंसर है आपका। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मनु। ओके, चलिए, तो फटाफट से देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अब आपका अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किया था, तो शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम या किसी अज्ञात भारतीय ने, बताइए कि जीरो वॉज इन्वेंटेड, यानी कि शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था, बताइए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। कुछ लोग जो है ब्रह्मगुप्त भी मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना कि आर्यभट्ट अगर आपका ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि शून्य की खोज की, तो रोमन वासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने या सुमेरियों ने। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है कि शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आर्यभट्ट कौन थे? ये भारतीय थे, तो जो शून्य की खोज है भारतीयों द्वारा की गई थी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भारतीयों ने। ओके चलिए, तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लाइफ ऑफ हेनसांग, हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी, हिस्टोरिकल फिलिपकल पामेपाइस टोगस या द हिस्टोरिक ऑफ हेरोडोटस। इसमें से फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन ही गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें सबकी नाम नहीं दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताइए कि कौन सा इनमें से एक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीड़ा। ठीक है, तो कौन सा इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, जो वीड़ा है, याद रखेंगे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। इसके अलावा सितार, ठीक है, सितार का जनक किसको कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछता है, तो सितार का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भारत का तोता भी किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान इज फेमस। बताइए कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो पृथ्वीराज तृतीय हैं ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपत्र जो है क्या दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे इनका संपर्क किनसे था। आपके ऑप्शंस हैं बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, थाईलैंड से। ठीक है, तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं का संपर्क था वो थाईलैंड से था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थाईलैंड। ओके, इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जावा सुमात्रा से। ठीक है, तो ताम्रपत्र लेख ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे इनका संपर्क जावा सुमात्रा से और ना कि थाईलैंड से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए कि वह कौन सा राजा था। आपके ऑप्शंस हैं धरणीन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन। बताइए कि वह कौन सा एक सुवर्ण भूमि का राजा था।
वेरी गुड फ्रेंड्स, सर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। कौन था? तो ये बालपुत्र देव था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। वेरी गुड क्वेश्चन। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं बोधगया, राजगृह, कुशीनगर, सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजगृह। एक सेकेंड, देखिए ये जो है बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो है कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, याद रखेंगे सारनाथ में। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन भी दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। सिंपल सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी? बताइए कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यवंशी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता कि जो है हम्मीर काव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, तो आप याद रखेंगे तो ये सूर्यवंशी बताया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि चौहानों को सूर्यवंशी किस महाकाव्य में बताया गया है, तो आपका हो जाएगा हम्मीर महाकाव्य। ओके, तो दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि आल्हा उदल संबंधित थे। तो आल्हा उदल का संबंध कहाँ से है? आपके ऑप्शन हैं चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महोबा से, ठीक है। तो आल्हा उदल कहाँ से संबंधित है? तो ये महोबा से संबंधित है। और महोबा से संबंधित एक क्वेश्चन आपके यूपी जी के स्पेशल में आएगा, ठीक है, वो आता है, ठीक है, आएगा, क्लियरिटी नहीं है। देखिए वो कौन सा है कि पान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है कल्हड़, बिल्हड़, जयानक या चंद्रबरदाई। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो ये चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है कि पृथ्वीराज विनय का लेखक कौन है। अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि पृथ्वीराज विनय का लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या नयनचंद सूरी। बताइए कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जयानक, ठीक है। तो पृथ्वीराज विनय का लेखक कौन है, तो ये जयानक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जयानक। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलिका शहर की स्थापना की थी। तो बताइए कि राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलिका शहर की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या चौहान वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तोमर वंश, ठीक है। तो किसने 8वीं शताब्दी में दिलिका शहर की स्थापना की थी, तो ये तोमर वंश ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तोमर वंश। चलिए
फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, कि जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। तो जेजाग भुक्ति जो है किसका एक प्राचीन नाम था? आपके ऑप्शंस हैं बघेलखंड का, मालवा का, बुंदेलखंड का या विदर्भ का, बताइए। तो इसमें आपसे पूछा गया कि जेजाग भुक्त किसका प्राचीन नाम था, तो ये आप याद रखेंगे, ये मालवा का प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। तो जेजाग भुक्ति कहाँ का प्राचीन नाम था? तो ये बुंदेलखंड का था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था, बताइए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द इन विच ऑफ दीज टूडेज स्टेट। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था, बताना है आपको। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है। तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिहार। ओके चलिए, तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द प्री मेडिवल पीरियड। तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर, बताइए कि इनमें से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तक्षशिला, ठीक है। कौन सा नहीं था? तो तक्षशिला नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तक्षशिला। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं अमोघवर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव या कृष्ण प्रथम, बताइए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दंतिदुर्ग, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये दंतिदुर्ग के द्वारा रखी गई थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हृदय गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म्ड द हृदय गर्भ रिलीजियस फंक्शन। तो हृदय गर्भ जो है धार्मिक कार्य किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है मयूर दशा शर्मन, हरिचंद्र, दंत दुर्ग या हर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दंत दुर्ग, ठीक है। तो हृदय गर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था? तो ये दंत दुर्ग द्वारा करवाया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दंतिदुर्ग। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, बताइए कि कौन जो है अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। आपके ऑप्शन है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल या नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। कौन था? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए
फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि महानतम प्रतिहार राजा था, द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग वॉज, तो महानतम प्रतिहार राजा कौन था? आपके ऑप्शंस हैं धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज या महेंद्रपाल, बताइए कि महानतम प्रतिहार राजा कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिहिरभोज। ठीक है, तो महानतम प्रतिहार राजा कौन था, कि मिहिरभोज था, ये महानतम प्रतिहार राजा था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिहिरभोज। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो हेमचंद्र द ग्रेट जैन स्कॉलर एडनॉर्ड होज असेंबली, बताइए कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। आपके ऑप्शन हैं अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज या विद्याधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुमारपाल। ठीक है, तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुमारपाल। ओके चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक संवत चलाने का यश प्राप्त है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फेम ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू एरा, तो किसे एक संवत चलाने का यश प्राप्त है बताइए। आपके ऑप्शन हैं धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो याद रखेंगे लक्ष्मण सेन को है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लक्ष्मण सेन। ओके चलिए तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था, तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन हैं प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, चौहानों द्वारा या सेनों द्वारा, बताइए कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था। वेरी गुड क्वेश्चन, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सेनों द्वारा। तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये सेनों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेनों के द्वारा। ओके चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रगल, तो कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था बताइए। आपके ऑप्शन हैं प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल। वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चोल। ठीक है, तो कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो याद रखेंगे चोल, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि महोदया किसका पुराना नाम है, हूज ओल्ड नेम इज मैडम या महोदया, बताइए तो महोदया किसका पुराना नाम है। आपके ऑप्शन हैं इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज या पटना। तो अच्छा क्वेश्चन है, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कन्नौज। ठीक है, तो महोदया किसका पुराना नाम है, तो ये कन्नौज का पुराना नाम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
कन्नौज। ओके चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, मतलब किसे जो है नगर महोदय श्री के नाम से जानते थे। आपके ऑप्शन है महोबा, कांपिल, मथुरा या कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कन्नौज। ठीक है, तो किसे जो है नगर महोदय श्री के नाम से जानते थे, तो कन्नौज को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कन्नौज। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि राजा भोज ने शासन किया, तो राजा भोज ने शासन कहाँ पे किया था, बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या उज्जैन पर। बताइए कि राजा भोज ने शासन कहाँ पे किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धार पर। ठीक है, तो राजा भोज ने शासन कहाँ पे किया था, धार पे किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। आपके ऑप्शन हैं भोज, गोविंद राज, चंद्रवर्मन, महिपाल। बताइए किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। वेरी गुड फ्रेंड्स, सर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भोज। ठीक है, तो किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो याद रखेंगे ये राजा भोज द्वारा लिखी गई है। इनका शासन कहाँ पे था, धार पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो अर्घट्टा शब्द का क्या आशय है। आपके ऑप्शन है बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र या कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। बताइए अर्घट्टा शब्द का क्या जो है इसमें से मतलब है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील। तो वाटर व्हील को क्या बोलते थे जो है मध्यकालीन भारत में, अर्घट्टा। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कश्मीर का अकबर किसको बोलते थे। आपके ऑप्शन हैं सुल्तान शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए कश्मीर के अकबर के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था। वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जानते थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ओके चलिए, फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। सॉरी, बताइए कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नानदेव, नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नानदेव। ठीक है, कौन था, तो ये नानदेव था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नानदेव। ओके चलिए, तो ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए
हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्ट्री? तो हरि सिंह, राम सिंह, मत्स्य सिंह, श्याम सिंह, इनमें से बताइए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हरि सिंह। ठीक है, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे हरि सिंह था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हरि सिंह। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद हजरत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, या 670 ईस्वी में। बताइए कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था, सॉरी कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 570 ईस्वी में। ठीक है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 570 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मक्का कहाँ स्थित है, वेयर इज मक्का? तो मक्का कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है सीरिया, इराक, ईरान, या सऊदी अरब। बताइए कि मक्का कहाँ स्थित है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। ठीक है, तो मक्का कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो मक्का सऊदी अरेबिया में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सऊदी अरब। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? द वर्ल्ड हिंदू वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनानियों ने, रोमन वासियों ने, चीनियों ने, या अरबों ने। बताइए हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो ये अरबों ने किया था। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरबों ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? व्हेन वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हिंद की विजय कब हुई? आपके ऑप्शन है 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, या 719 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध की विजय हुई थी ये 712 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कब हुई थी? 712 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वॉज। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, या मोहम्मद गोरी। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? गजनी के, गोर के, अरब के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरब के। ठीक है, तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? तो ये अरब के थे।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अरब के। ओके चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम थे, सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। देखिए, जब पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब कहाँ के पहले आक्रमणकारी थे? तो अरब के थे, तब मोहम्मद बिन कासिम था, सिंपल सा है, अरब का ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरब का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए, तो ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्ट्री? तो अल्पकदीन, महमूद, सेबुकगीन, इस्माइल, इसमें से बताइए कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, सॉरी यस ऑप्शन ए अल्पकगीन, तो ये सही आंसर है आपका। तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पकगीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार बताना है आपको कौन था। आपके ऑप्शंस हैं हसन निज़ामी, उत्बी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। बताइए महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्बी। ठीक है, याद रखेंगे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो ये उत्बी था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्बी। ठीक है चलिए, तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आपका अगला काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि शाहनामा का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा? तो फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। बताइए कि शाहनामा का लेखक कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन था? याद रखेंगे फिरदौसी था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिरदौसी। चलिए, फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द पुराण वॉज? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल काफदिर बंदायूनी, अलबरूनी या दादा शिकोह? बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, सर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए, एक सेकेंड। डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि अलबरूनी भारत में आया था, तो अलबरूनी भारत में कब आया था? आपके ऑप्शन हैं 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में। बताइए कि अलबरूनी भारत में कब आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में। ओके चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? द मुस्लिम स्कॉलर हु केम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनी वॉज? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन हैं इबन बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो या फरिश्ता।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल बरूनी। ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो है मुस्लिम विद्वान कौन था, तो ये अल बरूनी था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अल बरूनी। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अल बरूनी। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत में से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, या वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। बताइए कि कौन सा अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ठीक है, तो ये कथन अल बरूनी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अच्छा प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग रिब्यूल्ट द सोमनाथ टेम्पल आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनी। बताइए, तो भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जयसिंह सिद्धिराज, इसमें से वह कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमदेव। ठीक है, कौन था वो, भीमदेव था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भीमदेव। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंदों को किस युद्ध में पराजित किया था। इन विच बैटल डिड महमूद गोरी डिफीट जयचंद। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। आपके ऑप्शन हैं तराइन का युद्ध, चंदवार का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बताइए, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंदवार का युद्ध। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ये आप याद रखेंगे, ये जो है चंदवार के युद्ध में पराजित किए गए थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चंदवार का युद्ध। ओके, चलिए तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गोरी का चंदवार के युद्ध में पराजित नहीं किया गया था। बताइए कि कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित नहीं किया गया था। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल या भीम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जयचंद। ठीक है, तो कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित नहीं किया गया था, तो राजा जयचंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि 1194 के चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। तो अभी इसको डिस्कस किया गया है कि बताइए 1194 के चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। आपके ऑप्शन हैं कुमारपाल, जयचंद, गोविंद राज या भीम द्वितीय। बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जयचंद। ठीक है, तो 1994 के चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, जयचंद को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जयचंद। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह युद्ध कौन सा था जिसमें जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। बताइए कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो वह तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध। ओके चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। विच मुस्लिम रूलर हैज द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन द क्वाइंस। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। तो टू हुम डिड मोहम्मद गोरी बेस्टो द फर्स्ट आक्ता इन इंडिया। तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। आपके ऑप्शन है ताजुद्दीन यालदोस, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इलतुतमिश या नसीरुद्दीन कुबाचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, किसको प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। विच सेल्व ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार ऑफ, बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यल्दौज, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो कौन था वो, तो बख्तियार खिलजी था जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी। ओके चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। हु वॉज द फर्स्ट कॉन्कर ऑफ बिहार, सॉरी हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्कर ऑफ बिहार, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दाना खिलजी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी। ओके चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस जो है किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, बताइए कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स कि नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी। ओके चलिए दोस्तों, अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सेल्फ डायनेस्ट्री। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक, बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर में देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कि प्रश्न आपका है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, बताइए। तो आपका सेम आंसर हो जाएगा, चाहे संस्थापक की बात कर ले चाहे प्रथम शासक की, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ही रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका जो वो वाला क्वेश्चन है उसके उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और वही आपके दोनों क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा अगर आता है तो। ओके चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, आपके ऑप्शन है मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार, बताइए कि ढाई दिन का झोपड़ा ये है क्या। तो यह एक मस्जिद है, ठीक है, याद रखेंगे ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मस्जिद। ओके चलिए, तो ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बताइए कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक। ओके चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, बताइए। तो आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह या बलबन। तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। कौन था वो सम्राट, इल्तुतमिश था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश। तो आगरा, लाहौर, बंदायूं या दिल्ली, बताइए कि वो कौन सी राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। कौन सी थी, तो दिल्ली राजधानी थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिल्ली। ओके चलिए, माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ सल्तनत वॉज द फर्स्ट टूर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली। तो आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। कौन था, तो वो इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इल्तुतमिश। ओके चलिए, तो देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा निम्न में से किसके काल में आया था।
अच्छा प्रश्न है। तो मंगोल इन्वेडर, चंगेज खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग केम इन हिज टाइम, तो किसके काल में आया था? आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, तो ये सही आंसर है आपका। तो किसके समकालीन था? तो इल्तुतमिश के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम बार सिंधु के तट देखे गए? तो बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट देखे गए थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से बताइए कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो इसमें ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किए गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, काफ़ी अच्छा है, कि अच्छा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, वेरी गुड क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुलाम का गुलाम किसको कहा गया था? तो इल्तुतमिश को। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, सभी को पता है, ये थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए, फ्रेंड्स आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो खासुल खान, यशुगई, नेमुचिन, ओगदी, बताइए कि चंगेज खां का मूल यानी कि ओरिजिनल नेम क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन था। चलिए तो फ्रेंड्स, आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी? नियुक्त किया था मलिक जानी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।